हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद मैं विश्वनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और यूनिक सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की मेरी रेसिपी का नाम है भरे हुए करेले। बहुत से लोग भरे हुए करेले बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उनको चिकन और गोश्त नहीं पसंद होता। इसी चिकन और गोश्त के ना खाने की वजह से वो भरे हुए करेले खाने से महरूम हो जाते हैं। जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है वो कीमे से और गोश्त से बहुत दूर भागती है, वो लोग इससे बनी हुई चीजें नहीं खाते। तो ये स्पेशली रेसिपी उन लोगों के लिए है, ये भरे हुए करेले अगर वो बेसन के खाएंगे तो वो बार बार फरमाइश करेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने ज्यादा क्रिस्पी चीजें खानी है, वो हर चीज क्रिस्पी बहुत पसंद करते हैं। मतलब मेरी फैमिली में भी मेरे हस्बैंड जब भी मुझे कोई काम कहते हैं, अगर मैं कोई पराठा बना रही हूँ तो मुझे कहते हैं मेरा पराठा थोड़ा क्रिस्पी रखना, फ्राइज बना रही हूँ तो वो यही कहते हैं मेरे फ्राइज जरा थोड़े से ज्यादा फ्राई कर लेना ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह ये करेले अगर आप चिकन या कीमे में भरेंगे तो वो इतने क्रिस्पी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर बेसन भरेंगे तो वो उसकी स्टफिंग भी अच्छी होगी और वो क्रिस्पी भी बनेंगे। देर किए बगैर इस रेसिपी को जानने के लिए हम किचन में चलते हैं और देखते हैं ये रेसिपी किस तरह तैयार की जाती है। चलें चलते हैं किचन में। सबसे पहले करेले ले लें, इनको अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनका अच्छी तरह छिलका उतार लें और करेले खाली कर दें। जब करेले सारे खाली हो जाएं तो इसमें आप एक से दो चम्मच नमक डाल के सारे करेलों को रख दें और उस पे नमक अच्छी तरह मल दें और 30 मिनट के लिए इसे रख दें। 3 मीडियम साइज के प्याज ले लें, इनको फाइनली चॉप कर लें। एक कढ़ाई लें, उसमें 1 कप घी या ऑयल डाल दें। फाइन चॉप किए हुए प्याज डाल के इसकी भुनाई करें। भुनाई करते वक्त इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 नमक और मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लेकिन आप 1/1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। तमाम ड्राई मसाला जार डालकर इसकी हल्की आंच पर भुनाई करते जाएं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मजीद पकने दें। अब एक खुले बर्तन में 2 कप बेसन ले लें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। अब आप ये पेस्ट देख रहे हैं, इसका इस तरह का पतला सा पेस्ट बना लें। प्याज जो हमने भूनने के लिए रखे हुए थे, इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड करें। और उसी दौरान जो आपने बेसन का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करके और फौरन से चम्मच हिलाना शुरू कर दें, क्योंकि ये नीचे लगने का डर होता है और फौरन से नीचे लग जाता है, इसलिए इसका तेजी से चम्मच हिलाना है। ये कुछ इस तरह का पेस्ट सा बन जाएगा। आपने इसको मजीद 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। करेलों के अंदर फिलिंग करने के लिए बेसन रेडी है। अब आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें और जो हमने नमक लगा के करेले रखे थे इसको अगेन वॉश कर लें और कपड़े पर सुखा लें और इसमें ये बेसन डालकर इसको अच्छी तरह फिल कर दें और धागे की मदद से इसको फुल टाई कर लें। इसको टाइटली आपने टाई करना है ताकि कहीं से खुला नजर ना आए। ये अब हमारे सारे करेले भरे जा चुके हैं। अब एक पैन में घी या ऑयल ले लें और इन करेलों को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट बाद आप इसकी
साइड चेंज करें ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। ये हमारे करेले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब आप इसको किसी भी पेपर टॉवल पे निकाल के सेपरेटली रख दें ताकि इनका एक्स्ट्रा घी अब्सॉर्ब हो जाए। अब एक पैन लें, उसमें 2-3 टेबलस्पून घी या ऑयल ऐड करें। अब इसमें 2-3 चॉप की हुई सब्ज मिर्ची ऐड करें और 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप करके डाल दें और इसकी भुनाई कर लें। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके मजीद भुनाई कर लें और 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें 2-3 मीडियम साइज के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लें और वो भी इसमें ऐड कर दें। अब इसकी मजीद भुनाई करते जाएं। अब भुनाई के दौरान 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दें ताकि इसका टेस्ट और डेवलप हो जाए। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई मजीद जारी रखें। इसको अच्छे से पकाने के बाद डिश आउट करें और भरे हुए करेलों के साथ ये ग्रेवी एंजॉय करें। ये हमारे बेसन भरे करेले रेडी हैं। आप इसको नान और चपाती के साथ खाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बाकी रेसिपीज की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और मैं इसी किस्म की मजीद रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।